आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस, 2 अक्टूबर गांधी शास्त्री जयंती पर देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर उतरता नजर आया। 2 अक्टूबर को गांधी शास्त्री जयंती के दिन किसान सभा और ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। लुगरवाड़ा में लगभग 2 बजे ये ट्रैक्टर रैली, किसान सभा के बाद ट्रैक्टर रैली लुगरवाड़ा से रवाना हुई और कचहरी चौक लगभग 3 बजे पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यहाँ कचहरी चौक पर जिस तरह दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान जाम किया गया था, लगभग उसी तरह यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली लड़ा बीच में खड़े करके रास्ते को जाम कर दिया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, पुलिस बल भी मौके पर रहा। लगभग 4 घंटे तक किसानों और प्रशासन के बीच कोई वार्तालाप नहीं हुआ। रात जैसे ही घिरी वैसे ही खोजबीन आरंभ हुई सिंचाई विभाग के अधिकारियों की। चूंकि ये पूरा मामला लाल माटी से जुड़ा हुआ था, लाल माटी में पानी नहीं पहुंच पा रहा था, इससे जुड़ा हुआ था। सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वरद मूर्ति मिश्रा भी इस मौके पर मौजूद रहे। सबसे अच्छी बात ये रही, यहाँ आप देख रहे हैं एम्बुलेंस जब भी यहाँ निकली, चूंकि यहाँ पूरा रास्ता जाम था, पर एम्बुलेंस के लिए सदैव आंदोलनकारियों के द्वारा रास्ता दिया गया, जिसकी सभी के द्वारा प्रशंसा की गई। बहुत शांतिपूर्वक यहाँ पर आंदोलन चलता रहा। इस आंदोलन की खबर, इस चकाजाम की खबर पुलिस के मुखबिर तंत्र को क्यों नहीं लग पाई, ये एक बड़ा शोध का विषय है। 4-5 घंटे तक जनता परेशान होती रही आवागमन, चूंकि यहाँ से अस्पताल का रास्ता और ये मुख्य रीढ़ मानी जा सकती है सिवनी शहर की, और इसे जाम कर दिया गया था। गांधी भवन के पास कचहरी चौक पर पूरा जाम लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आदि आंदोलनकारियों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की जो चर्चा हुई वो हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये कैनाल डिवीजन का अतिरिक्त पवार मेरे पास जुलाई से मेरे पास अतिरिक्त पवार है। कुल मिला के सब कुछ यही है, हाँ। कर रहे ना, सब कुछ यही है। आप लाउडली बोलेंगे तो मीडिया के लोग कवरेज कर रहे हैं। जी जी जी। सर आपका शुभ नाम? मैं संतुमान सिंह से अमृत हूँ। जी जी। कार्बन है दीपेश पाल मेरे पास, दोनों है अभी, चौरी है, नियमित है, कोई अतिरिक्त में सीवनी और सिवनी अभी अतिरिक्त अभी यहाँ पर अभी अतिरिक्त। हमारी जो मांग है जी जी वो है सिवनी क्षेत्र के लिए जितना पानी निर्धारित है उसको माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन का विकास से लिया जाए, जो अन्य सारे जिलों में नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशील है, मैं मानता हूँ बहुत सारे जिलों में इसकी स्वीकृति दे रहे हैं। पिछले ही 29 तारीख को 4-5 दिन पहले 3 जिलों में हमने जायका कॉन्फिक्शन किए हैं, पेंच और शक्कर लिंक परियोजना नरसिंहपुर में किए, और कैन बेतवा तो अपने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, आपको भी पता होगा, 8 लाख हेक्टेयर उससे सिंचित होगा लगभग पूरा बुंदेलखंड। और इसे सबसे पहले नासा में बना था 2012 में बारिश डैम से 35,000 हेक्टेयर की, क्योंकि उस तकनीक से सर आप भी अवगत होंगे। हाँ, हम कर रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं, माइक्रो पे काम कर रहे हैं, कि उसमें क्या होता है कि 2 से 2.5 गुना रकबा बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल, अभी यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्र है जहाँ पे पानी की डिमांड है। हाँ, एक है बुलारा क्षेत्र, बुलारा मरझोर जिसको कादलगुड़ी क्षेत्र कह सकते हैं, एक है पूरा लाल माटी क्षेत्र, वहाँ की डिमांड आ रही है, हमने सर्वे भी करा है वहाँ पे। दूसरा क्षेत्र है सर कंटीबाग क्षेत्र, कलारवा की क्षेत्र, हाँ। और हमने भी बहुत बार बैठे हैं लाल माटी को लेके, तो असल में ये कहा जाता है कि यार सिवनी के लिए एक्स्ट्रा पानी नहीं दिया जा सकता, ओपन कैनालों के माध्यम, ओपन कैनाल के माध्यम से पानी नहीं है ना, आप नहीं बोल रहे हैं। पानी तो डैम में, क्योंकि डैम मेरे पास है 510 MCM के लिए 85,000 तो हमने नहर से बना दिया, उसके अलावा 3 माइक्रो इरीगेशन वहाँ पे हमारे पास है, ओवरऑल जो है 510 MCM पूरा कि उतने ही निर्धारित पानी में हमारी माइक्रो इरीगेशन की मांग हो जाए, और जो कि आप भी जानते सर ये डिमांड जो है प्रशासन लेवल की नहीं है,
शासन लेवल की डिमांड है और इसलिए हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करवाना चाहते हैं। बिल्कुल, क्या है, हम लोग कल जो विभागीय समीक्षा होती है बीसी में, मैं सी साहब से बात कर लेंगे कि साहब किसानों की ये मांग है कि आपका क्षेत्र पहले तो पहले आपका क्षेत्र 45,588 था, आप कैनाल फ्लो की जगह माइक्रो इरिगेशन लाना चाहते हैं और 45,000 का हेक्टर जो है उसको बढ़ा के कुछ और एरिया जोड़ना चाहते हैं, यही आपका। तो ये विभागीय स्तर का है, शासन स्तर का है, हम शेष साधनों को वापस कराने विभाग में किताब ये भारी है क्योंकि नहर भी कंप्लीट नहीं हुई, 2013-14 से काम चल रहा है, मैं 18 में SDO रह के मैं जा चुका हूँ, यहाँ परिस्थिति मेरे को मालूम है, सुनिए माइक्रो आपका है वो मैं बिल्कुल आपको कराएंगे। नहीं, आपने मांग की है तो असेसमेंट अब होगा क्योंकि नहर का प्रपोजल चल रहा है, नहर पर काम चल रहा है, तो किसी ने मांग की नहीं पहले, अगर पहले कोई मांग करता तो शुरू में आ जाता, क्योंकि अब हम 17-13 जो नहर चल रही है उसका कितने परसेंट हो गया, 70-80% ही काम हुआ है, बन गई है वो भी बन गई है, छोटी नहरें बनती हैं बड़ी नहर से, छोटी नहरें भी इनकम्प्लीट है, बहुत सारी इनकम्प्लीट है, आपके D3 में इनकम्प्लीट है, D4 में इनकम्प्लीट है, D2 में 3 माइनर अभी हमारी इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट नहीं है, माइनर कम्प्लीट नहीं है, पूरी बात ये है, असल में हमने भी जब नहरों में घूमे तो असल में नहरें काम की नहीं है, आपका सुझाव अच्छा है पर बात शासन की है, आपका प्रस्ताव अच्छा है क्योंकि लेटेस्ट अभी वो चल भी रहा है, माइक्रो फार्म में काम कर रहा है विभाग, माइक्रो में बना रहा है, आपके बिजना है अभी, बिजना रही में अभी परियोजना जो है दे भी रहा है, माइनाओ में भी अब लिफ्ट इरीगेशन देने लगा है, सेंशन दे रहा है। सर एक जानकारी लेना था आपसे, बड़ी अच्छी नीचे एक नेवरी नदी है, आइडिया नहीं है, आपको दिखाना पड़ेगा, हम सर्वे कर लेंगे, बादल पार क्षेत्र के जंगलों से निकल के बादल पार क्षेत्र में जाती है और जाके वो पैच में लीक हो जाती है आगे चल के, तो उसका एक देखा था सर एक बार विभाग में, क्योंकि हम आते जाते हैं जल संसाधन विभाग में, एक कोई पुराना प्रोजेक्ट है 29 MCM का, 29 MCM पानी उसे स्टोर करके बता रहे हैं, बता रहे हैं ब्लॉक में हलाल खुल के बाद एक स्टॉप डैम वो वाला गाँव बता रहे, ये सिर्फ बन सकता है अभी बना नहीं, आप साइड दिखा दीजिए, आप हम मेरा नंबर लीजिए, हम टोपो सीट लेके आप में से कोई एक जनप्रतिनिधि हमारे साथ आ जाएगा, हम जाके साइड देख लेंगे, टोपो सीट पर मार कर लेंगे, स्कीम सीरीज पे आपके पास समय हो तो आप हमें साइड दिखा दीजिए, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपका माइक्रो का प्रपोजल जो है हम विभाग को बता दे रहे हैं कि छोटी सी चीज जी, ये जो नहीं करेंगे एक मिनट कुछ काम अभी हुआ है, कुछ अभी कुछ भी नहीं किया, आप क्या सिर्फ नहर का काम चल रहा है वो भी इनकम्प्लीट, आपको अगर आपने ये मांग रखी है तो फिर उसमें शुरू से आज के डेट में एक्सरसाइज होगी, वो भी विभाग बोलेगा कि इस पे पुनर्विचार कीजिए, आपकी मांग है तो फिर उसके उस डायरेक्शन में जो विभाग गाइडेंस करेगा फिर उसमें डिपार्टमेंट काम करने लगता है, जो इंस्पेक्शन मांग रहा है वो आपकी डिमांड हम बता देंगे, उन्होंने ये बोल दिया कि नहर हमें बिल्कुल नहीं चाहिए और माइक्रो इरीगेशन चाहिए, वो हमें एरिया बढ़ा के चाहिए, इसी नहीं ठीक, 2 से 2.5 गुना रकबा बढ़ेगा, अब वो तो एक्सरसाइज करने के बाद पता चलेगा भाई, आपको तो एरिया भी बढ़ाना है और लेवल भी परमिट करेंगे, वो जहाँ पे डिमांड है सर उस पर दो तर्क आते हैं सर, देखिए एरिया आप कोई से भी मांग कर लीजिए, लिफ्ट में भी जाएंगे तो लिफ्ट में भी एक एरिया फिक्स हो जाता है, मान लो मैं 40 में बैठा हूँ तो 60 तक का एरिया की मैं बात कर लूंगा कि 60 तक का एरिया में जाऊंगा, अपना भी उतना फिक्स है, हाँ तो उसमें भी है, वो ऐसा कह रहे हैं कि एकदम वो पूरी चीज परीक्षण पे जाएगी, हम लोगों ने उसका कुछ काम कराया हुआ, एक टेंटेटिव प्रोजेक्ट बनवाया है सर, एक प्राइवेट कंसल्टेंसी से इसको बारे में बनवाया गया है, इसके पर आपने बनाया तो अच्छी बात, आप हमें दे दीजिए वो प्रपोजल, हम उसको भी देख लेते हैं, विभाग उसको भी देख लेगा और विभाग आपकी बात विभाग पे रख भी देगा, नहर के लिए किसान मना करके लिफ्ट इरिगेशन चाह रहे हैं, वो एरिया बहाना चाह रहे हैं सीधी चीज, ठीक है यार, लाल माटी में हम लोग सर्वे कर चुके हैं, ये मेरे दोनों SDO बैठे हुए हैं, हमने सर्वे भी कराया, 40-40 मीटर की कटिंग है, नहर तो नहीं जा सकती, पानी की बात वहीं से शुरुआत हुई थी कि डैम में नहीं है पानी, क्योंकि नहर के लिए आपको पानी हम जितना दे रहे हैं 510 MCM पूरा यूज हो रहा है,
अब आप ये चाह रहे हैं कि सब जो नहर का पानी आ रहा है आप उसको लिफ्ट लगा के एरिया बढ़ा के दे दो, ये पॉसिबिलिटी विभाग परीक्षण कर लेगा। इनका जो मेन कंसर्न केवल इतना है, काम अधूरा पड़ा है, टोटल पड़ा है, क्योंकि 7-8 साल हो गए। देखिए अभी हमने 30 तारीख को उनको मेंटेनर वाले को बुलाया है, 7 साल पहले से पड़ा हुआ है वो, अब आज की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो पड़ा हुआ है उसी मामले में क्या बात कर रहे हैं। कलार वाकी का काम आपका कंप्लीट है, अरुण अग्रवाल कहते हैं जब हमको पानी मिलेगा। बात यह है कि आपका D4 का काम कंप्लीट नहीं है, मेंटेनर वाला, क्योंकि पानी वहाँ जा नहीं रहा ना सर। असल में नहरें बनना, नहरों में पानी पहुंचाना तो अलग अलग बात है। दो मैं भीमगढ़ क्षेत्र से हूँ, भीमगढ़ क्षेत्र में 25 साल पुरानी ऐसी नहरें हैं जो अब सड़कें जैसी बनने लगी। देखो क्या है, क्योंकि कभी पानी नहीं जा रहा है तो सर भी आजकल मकान अपना 10-50 साल हो जाती है, हो जाती है सर, अगर वो लगेगा तो टोपोग्राफी चेंज नहीं। ठीक है आपका, हम ये वाला ठीक लगा, हमें तो हम ये बात माइक्रो पे तो हम काम कर ही रहे हैं, लेटेस्ट में 3 माइक्रो में तो मैं काम कर ही रहा हूँ। क्या है ना, 25,000 हेक्टेयर से 75,000 हेक्टेयर पे चले जाओ तो ये सब बढ़ता है, बढ़ता है। देखिए फ्लो में, नहर फ्लो में 200 हेक्टेयर होता है और लिफ्ट में होता है 350 हेक्टेयर, 150 हेक्टेयर सीधे सीधे बढ़ जाता है। अब आपने बात की तो हमको कर उसके लिए क्या है उसका ये इनके इन्होंने बोल दिया अपना जो है इनके स्तर की बात नहीं करके बोल दिया। शासन स्तर का मामला है, शासन स्तर की चीज है। जैसे आज आप ये बोलो कि 13-14 का प्रोजेक्ट 5 साल, ज्यादा 3 साल का प्रोजेक्ट था, 5-7 साल में भी तो बनता है। बात कोई है, शासन स्तर की चीज है, शासन उस पर दबाव डालेगा ठेकेदार पे तभी काम होगा। सर किसके स्तर का काम है ये, कल हम सी साहब से चर्चा कर लेंगे और हम बीसी में ENC साहब को अवगत कराएंगे। कल वहाँ बहुत बात होना, कल आप लोग की बीसी है ना? हाँ बीसी है ना, कल हम बीसी में भी बताएंगे। तो नहीं साहब, मैं सी साहब से बात हो गई, मैंने बता दिया कि साहब वहाँ चक्का जाम कर रखा है, वो आंदोलन कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो सी साहब की अभी पीए साहब से बात करेंगे, कल पीए साहब से बात कराना पड़ेगा क्योंकि शासन लेवल के है तो ये पूरी चीजें क्या उनको भी नॉलेज में लाते हैं। सीधी बात तो होती है, नहीं बात गंभीरता बता देंगे तो चीजें जल्दी ज्यादा होगा। तो 1-2 जनप्रतिनिधि आप हमसे कल में से बात करके 2 मिनट के लिए सी साहब के पास भी अपन चर्चा करते हैं। आगे स्थिति विषम भी हो सकती है, आज हम ये है क्योंकि आदमी अपनी मांगों के लिए आप आए हो, कल आदमी कितनी देर तो बर कल हो सकता है आप 20 साल से परेशान है, ये ज्यादा दिन रुक नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो निर्णय करना होगा, अब नहीं हो पाएगा उसको। क्या साहब आप तो शासन की तरफ बात कह के, शासन की तरफ कहकर सत्य आपने बोली, इसके लिए आपको धन्यवाद। पर शासन का सबसे बड़ा मुखिया होता मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री ने किस जानकारी के हिसाब से सुखतरा हवाई अड्डे में हजारों आदमी के सामने बोला कि ये समूचे क्षेत्र में मैं पानी लाके दूंगा। इसके बाद केवलारी की जनसभा में बोला कि समूचे क्षेत्र में पानी लाके दूंगा। देखिए इस असत्य के खिलाफ लड़ाई है। नहर की यदि बात है, यदि नहीं आ सकती थी तो मुख्यमंत्री सरी के आदमी को बोलना था कि भैया असंभव, और जैसे आप CM वगैरह की बात करते हैं उसके पास तो और बड़े बड़े अधिकारी हैं। नहीं तो प्रपोजल अभी आपने बताया ना कि भाई सिवनी को पूरा माइक्रो का हो गए, तो एक पॉसिबिलिटी देखो ऐसा है, आपने बोला कि भाई सिवनी का जितना भी एरिया माइक्रो में कन्वर्ट कर दो, बात आज उसकी हुई थी, तो इससे पहले तो हम फ्लो में काम कर रहे हैं ना जी। तो आपने बहुत सत्य बात बोली कि शासन इसका सब कुछ करने वाला है और आप इसके हमारे जैसे कर्मचारी हैं, तो आपको हम स्वागत है कि आप आए हमारी बात सुने और आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचा रहे। पर इसमें जो हमारा जो मामला है तो आपको कलेक्टर साहब वगैरह ने कहे होंगे आने के लिए, आप आ गए उसके लिए स्वागत है आपका। पर शासन जो है इसे क्या चाहिए, इस बात के लिए जो हमारी जो लड़ाई है, शासन की तरफ से जो असत्य बोला गया, लगातार भ्रमित किया गया, दो दो तीन तीन बार हमसे उस नाम पे वोट लिया गया,
और उस पे आज जो वो लोग मौन धारण करे हुए, हम इतने किसान जो है एक सभा करे हम लोगों ने किसान, उस पे इनको आमंत्रित करे कि सांसद जी विधायक जी के लिए बढ़िया कुर्सी बना के रखी कि आइए और हमको समझाइए। दोनों लोग दसों बार फोन करने के बाद और 15 दिन पहले बताने के बाद और यही बंगले में थे, अपनी अपनी प्रॉपर्टियां देख रहे थे, उसके बाद भी हमारी सभा में वो लोग आए नहीं। एक विरोध वह, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आपके जाने के बाद फिर बड़े अधिकारी बोलेंगे और क्या करके आए साहब, तो उन्हें बताने के लिए। तो बात हमारी आपसे नहीं है, बात उनकी जो झूठ बोले असत्य बोले और हमको धोखा दिए, उस धोखा के उस पर हम लोग बैठे। तो ये समरी रिपोर्ट बना के कल हम आपको अपना प्रोजेक्ट भी शेयर कर देंगे, तो उसको बैठ के आप देख निकल आप और आपको नंबर लीजिए, कल सी साहब के पास अपन चर्चा भी करेंगे, क्योंकि आपको सुझाव अच्छा है, लिफ्ट में आप आना चाह रहे हैं, बहुत तैयारी उसकी करके भी रखी हुई है, तो वो शेयर कर लेंगे। टेक्निकली फिर आप देख लेना, टेक्निकल मांग पहली मांग ऐसी सर जो पूरा प्रोजेक्ट बना के और मांग कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम आती है, जिससे आपके पास पहले नहीं था, क्योंकि जब ये योजना बनी पूरा पैज भी बना तो 85,000 एकड़ के लिए बना था, लेकिन बाद में जब मैं वहाँ जैसे पानी हमारे पास सेविंग में रहा और जैसे माइक्रो आई तब जाके माइक्रो आपने चंदा वाले ने पहले ले लिया। D2 पूरी कंप्लीट है, पूरी कंप्लीट है और D1 भी पूरी कंप्लीट है, लेकिन इनकी माइनर इनकम्प्लीट है। D2 की जैसे 3 माइनर इनकम्प्लीट है, D1 की भी कुछ माइनरों में पानी नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, सब माइनर, हम माइनर सब माइनर, सब माइनर इनकम्प्लीट है। आपकी D3 इनकम्प्लीट है, D4 पिछले साल D3 में 8 किलोमीटर पानी चला, D4 D4 में भी 7-8 किलोमीटर पानी। अभी आप क्या पूरी आपने इतनी देर बात सरसान जी, अभी आपने इतनी बात की, ओवरऑल इनका क्या कंक्लूजन क्या? किसानों की मांग ये है कि नहर के स्थान पर माइक्रो इरिगेशन चाह रहे हैं, और किसान ये भी चाह रहे हैं कि एक तो उनका काम अपूर्ण है, इसके कारण किसानों का ये रहा है कि जब उनका विरोध का कारण यही है कि एक कार्य पूर्ण नहीं हुआ। कौन सा वाला? नहरों का, मतलब लाल माटी या फिर लाल माटी नहीं, हमारा लाल माटी मुद्दा नहीं, लाल माटी मुद्दा, लाल माटी और एरिया छोड़ने का तो है ही है, इनका मेन मुद्दा है जो SBC 43 करोड़ का है और उसकी जो चार डिस्ट्रीब्यूशन है D1 D2 D4 इनमें पूरा काम कम्प्लीट हुआ, वो काम जल्दी कराने का है, प्लस अगर नहर की जगह अब जो है किसान माइक्रो इरीगेशन चाह रहा है ताकि उनका एरिया 45,588 एकड़ से भी ज्यादा बढ़ सके। इसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए इनके जो मांग है वो हम हायर लेवल पे हमारे वरिष्ठ स्तर पे सी साहब को उनपे हम शासन सी से आप अभी बात कर सकते हैं या नहीं? मैं कल चूंकि मैं कल बात आ ही रहा हूँ, अभी नहीं हो पाएगी, अभी बात करने से कुछ नहीं, कल चूंकि मैं सुनी आ रहा हूँ सी साहब उनकी प्रतिनिधि को बुलवाया है मैंने, 5-10 लोग वो भी आ जाएंगे, तो हम सी साहब हमारे तरफ से बार बार लेटर जाता है, ऊपर से नहीं होता टर्मिनेट। ये जो टेंटेटिव प्रोजेक्ट किसानों का बना है क्या उसको जाने की कोशिश अपन आज से शुरू कर सकते हैं? नहीं नहीं, अभी तो पहुंचाने वाली तो प्रशासन स्तर से ही जैसे हमारा क्या एक बहुत ही डिजाइन उन्होंने आश्वासन दिया है वो अभी अपने कल हम लोगों की बात को चीफ इंजीनियर से कराएंगे, और चीफ इंजीनियर हमसे बात करने के बाद फिर वो ENC से बात करके हम उम्मीद करते हैं कि 10-11 बजे तक कोई बात। तो अभी ये लगातार धरना चलते रहे 11 तक जी, ये अभी जो प्रदर्शन चल रहा है चलते रहेगा, ये अभी हम लोग आपस में मुख्य मांग क्या है आप? मुख्य मांग देखिए, सिकनी की मुख्य मांग जो है जो आज जो लोग इकट्ठे हुए इनकी मुख्य मांग कि ये लोग लिफ्ट इरीगेशन चाहते हैं, नहरों का रख रखाव, कुछ नहरें बनी
लेकिन वो मेजर नहरें बनी है, माइनर सब माइनर नहीं बनी, तो किसानों को उस नहर बनने से कोई लाभ नहीं होगा। अब इस बीच में लिफ्ट इरीगेशन का कंसेप्ट जो है वो भी यहाँ के लोगों को पता लगा, तो लोगों का मानना ये है कि हमें एक बार आप ऐसी व्यवस्था करके दे दो कि ये रोज रोज का झंडे, जैसे नहर बनी सीमेंट वाली तो उसका मेंटेनेंस कोई खराब हो गई कि नहरों से पानी भी होने लगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि टेल एंड में पानी नहीं मिल पाता किसानों को। इस व्यवस्था में हर आदमी को एश्योर्ड पानी जो है उसका प्रेशर का ऐसा सिस्टम रहता है। कमिटमेंट में आ जाइए, जो कमिटमेंट अभी शासन की ओर से ले लिया ही साथ। कमिटमेंट तो उनकी एक लिमिट है, उनकी सीमा है, उन्होंने अपनी बात कह दी आके, हम लोग अभी इसको समझ लेंगे कि क्या हम इसमें चल रहे हैं। सारे लोग क्योंकि इतने वो इकट्ठे हुए हैं जिसका डिसीजन को एक व्यक्ति नहीं कर सकता, सब मिलकर कर लेंगे। दूसरी चीज ये कि सबसे बड़ी बात ये है कि वो उस स्तर पर नहीं है वो कि जो रातों रात चीजों को सेंक्शन कर दे। इस पूरे आंदोलन का जो मकसद था वो था ऊपर तक उस आवाज को पहुंचाना। सिवनी जैसा इलाका जो कि राजनीतिक रूप से बड़ा, मतलब एक जमाने में तो बहुत ऊपर रहा है सिवनी, सिवनी के लोगों की छोटी छोटी मांगें पूरी होती थी, पर आज 20 साल से आप देखेंगे सिवनी के लोग बहुत पीछे हो। तो जो मुख्य मुद्दा है केवल वो लिफ्ट इरीगेशन का, लिफ्ट इरीगेशन और उसका एक जो सबसे बड़ा बिंदु है जो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से पता लगे, एक एक किसान के खसरे नंबर पर, एक एक किसान के खेत पर वो नोजल जाता है, इसलिए शायद किसानों को दिलचस्पी है यार यही वाली योजना चाहिए। किसान किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता ना, कि नहर ऊपर वालों ने रोक ली तो उनको पानी नहीं मिल रहा, किसान चाहता मेरा सेपरेट। तो मैं समझता हूँ ये हो जाना चाहिए, इसमें खर्चा भी 1500-1700 करोड़ का खर्च है। एक किसान तो लगभग 10 साल से ये सब झेल रहे हैं, और अगर यही गति रही तो और 10 साल चलेगा ऐसा मानना है लोगों को। नहीं देखिए, मेरा मानना ये है कि मतलब मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया हो, इस मामले में जनप्रतिनिधि फेल हो गए ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, और ये जनता का हक है, किसानों का। अब उम्मीद करते हैं चुनाव नजदीक है, कोई बेहतर व्यक्ति अगर ये सब लोग मिलकर चुनेंगे, किसानों के बीच का आदमी आना चाहिए। अगर वो आदमी आता तो निस्संदेह ये समस्या ऐसी नहीं है कि जो असंभव, ये हो सकती थी बशर्ते लगातार कोई आदमी इसमें इसको परस्यू करे। मतलब ये फेलियर जनप्रतिनिधि का है, अधिकारियों का नहीं? देखिए अधिकारियों की एक सीमा है, उनके पास अगर बजट आएगा उनके काम दिया जाएगा तो निश्चित है, हो सकता है कि कहीं समय सीमा का उनसे उल्लंघन भी हुआ हो अधिकारियों से, 6 महीने में इतना बनना चाहिए था नहीं बना, उसके लिए उनको भी दंडित होना चाहिए। ये साहब मुझे कहते गए कि हमने ठेकेदार को टर्मिनेट करने की कम से कम आधा दर्जन लेटर लिख दी है, यही तो विसंगति है, लड़ाई जो है इसी बात की तो है कि जिसको दंडित होना चाहिए वो दंडित नहीं हो पा रहा है। अगर ठेकेदार को कठोरता से निर्देशित कर दिया जाता तो ठेकेदार बिल्कुल सारी चीजें बना देता, क्योंकि वो निश्चिंत है, उसको मालूम है कि उसका कुछ नहीं होगा, इसलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रश्न होगा। अच्छा, इतना बड़ा संसाधन जो खराब हुआ उसकी वजह ये है कि इनने जो योजना लाई टर्न एंड की, इसके पहले क्या होता था, सर्वे एक विधिवत होता था, नहर बनाने की एक तकनीक है जो इंजीनियर लोग सीनियर इंजीनियर बनाते थे, नहर जाती थी। टर्न एंड की योजना के तहत मेंटेना कंपनी ने बेरोजगार लड़कों को पकड़ ली जो टेक्निकल जानते नहीं थे, और सब ऐसा करके गोल मटोल करके चली गई कि जहाँ से नहर जाती तो आजू बाजू किसान खेत सीढ़ से खराब हो जाता है, सिपे से खराब हो जाता है। पिछले 10 साल में कांग्रेस की सरकार भी रही, भाजपा की रही, तो सभी का फेलियर, कांग्रेस का भी फेलियर मान सकते हैं? नहीं, कांग्रेस का फेलियर क्यों मानो, कांग्रेस ने तो इतना बढ़िया बांध बना के दी, इतना बढ़िया बांध बना के दी, नहर एस 18 साल में शिवराज सिंह का लाने का काम था। चलिए, तो 18 साल शुक्रिया आपका। सुना आपने सिंचाई विभाग के कार्यपालन यंत्री संत कुमार सिरसाम, उनके द्वारा क्या चर्चा की गई आंदोलनकारियों से, और आंदोलनकारियों से चर्चा उनके द्वारा किए जाने के बाद कुछ किसान वहां से वापस जाते दिखे, पर उसके बाद भी ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पर लगी दिखाई दी, लोग जमे हुए वहां पर दिखाई दिए। आंदोलन कब तक चलेगा, आंदोलन में अंततः क्या निष्कर्ष निकलेगा? लोगों का ये कहना था कि दरअसल सरकार के द्वारा जो भी उनके साथ वादा किया गया था, वादा खिलाफी की गई। वैसे देखा जाए तो लगभग 10-12 सालों से ज़्यादा समय से लाल माटी क्षेत्र का किसान पानी के लिए बहुत परेशान हो रहा है। सिवनी के मौजूदा विधायक, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय के द्वारा, ऐसा वहाँ पर लोगों का कहना था कि दिनेश राय के द्वारा कई बार इस बात को कहा गया कि लाल माटी क्षेत्र में
पानी लेकर आएंगे, पर हर बार पानी के लेकर सिर्फ आश्वासन ही लोगों को मिला है। इस तरीके की जो चर्चाएं वहां चल रही थी, चूंकि चुनावी बेला है, इस चुनावी बेला में अगर किसान आक्रोशित है, आर पार की लड़ाई लड़ रहा है, सवाल यही उठता है कि ये अधिकारी जो यहाँ आए थे, लोगों का यही कहना था, किसानों का कहना था कि जो अधिकारी आए हैं अगर वे सक्षम नहीं है तो सक्षम अधिकारियों को बुलाया जाना चाहिए था। चूंकि वरद मूर्ति मिश्रा स्वयं आंदोलनकारियों के साथ वहां बैठे थे जिनसे चर्चा हुई, वे स्वयं एक प्रशासनिक अधिकारी रहे और वे इस बात को भली भांति जानते होंगे कि किस स्तर के प्रशासनिक अधिकारी की सीमाएं दायरा क्या है। वे चाहते तो रात में उसी समय सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर जो कि सिवनी में बैठते हैं उनसे चर्चा कार्यपालन यंत्री की कराई जा सकती थी, पर ये सारी चीज़ें जो कुछ भी वहाँ होती दिखी वो उसके बाद किसानों के बीच में चर्चाएं चलती रहीं कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं सियासी रंग ना दे दिया जाए, चूँकि चुनाव का बहुत करीब है, इसलिए इस मामले को सियासी रंग ना दिया जाए तो बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात, यहाँ सांसद विधायक कांग्रेस और भाजपा इनके जिलाध्यक्ष भी यहाँ किसानों के बीच नहीं पहुंचे, जो एक बहुत बड़ा संदेश भी देता हुआ नजर आया। लोगों का यही कहना था कि किसानों की चिंता शायद किसी को नहीं है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।